चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है भाजपा, जबकि कांग्रेस के लिए 11 उम्मीदवार जुटाना काफी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे नेतृत्व विहीन और दूरदृष्टिहीन हैं और यही कारण है कि कोई भी उनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जैसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तय कर रखा है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, इसके कारण से आम जनता ने तय कर रखा है तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने के लिए। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड का सबसे बड़ा जबरन वसूली है। देखिए, ये भ्रष्टाचार के आरोप में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुचिता पर भरोसा करती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। सर, भाजपा ने अब तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ, तो अब कांग्रेस ने भी 3 प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर जारी किए और कह रही है कि भाजपा राजनीति के स्तर को गिरा रही है। पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया, किसने प्रशासनिक स्तर को गिराया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। और इसलिए नैतिकता की बात करना कांग्रेस को कहीं भी शोभा नहीं देता। चिंतामणि महाराज को वॉशिंग मशीन में भी दिखाया, देखिए, एक बहुत बड़े वर्ग के वे सम्माननीय है और लगातार कांग्रेस पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनकी घर वापसी हुई है, बहुत सम्माननीय समाज के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। सर, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के सिलसिले में लगातार आईएएस सभी के तबादले करने का भी छुपाया जा रहा है। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल ये रूटीन के प्रशासनिक काम है। अधिकारियों को अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारी देना यह प्रशासनिक व्यवस्था का, शासन प्रणाली का हिस्सा है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है। किन मुद्दों पर कांग्रेस बात करना चाहती है? आज बात करें छत्तीसगढ़ के विकास पर, आज बात करें देश के विकास पर कि 2014 से पहले देश के हालात क्या थे, 2014 के बाद आज देश के हालात क्या है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई है, देश में कैसे अधोसंरचना का विकास हुआ है, देश कि अर्थतंत्र कैसे मजबूत हुई है, आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। आज 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 11 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में आवास बना है। बात कांग्रेस पार्टी इन बातों पर करे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नियत विहीन है, इसलिए आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। मोदी का परिवार ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं, कैंपेनिंग भाषा। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ भाइयों एवं बहनों, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश को अपना परिवार माना है और इसलिए वे परिवार के मुखिया के नाते